दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मैं सात्विक मिश्रा आज आपको बताऊंगा कि हम अपने पीसी की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं केवल 3 स्टेप्स में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला स्टेप। सबसे पहले हम स्टार्ट में आएंगे, यहाँ पे RUN रन टाइप करके ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे %DEMP% ओके। यहाँ पे हम सारी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे और परमानेंट डिलीट करेंगे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन यस ओके। जो फाइल नहीं डिलीट होती है उनको हम स्किप कर देंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने दूसरे स्टेप में आएंगे, इसमें हम PREFETCH प्रीफेच टाइप करेंगे ओके। अब इसमें हम सारी सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम परमानेंटली डिलीट करेंगे। चलिए हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट तीसरे स्टेप पे आएंगे, डिस्क क्लीनअप स्कैन करेंगे। ये सभी एरर फाइल्स को स्कैन करता है। देखिए कभी कभी ये टाइम भी ले लेता है, जब काफ़ी टाइम से ना हो। मैं तो रोज़ इसको स्कैन करता हूँ, इसलिए इसने बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिए हैं और कम भी साइज है इनका। चलिए आप ओके कर देंगे। ये सारी फाइल्स को डिलीट करेगा, जैसे देख सकते हैं डब फाइल्स, रिसाइकल बिन, सेटअप लॉग फाइल्स, टेम्प्रेरी फाइल्स, थंबनेल्स, मेनी मोर इज डूइंग। तो अब हमारा ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने तीनों स्टेप पूरे कर लिए हैं। तो अब आपको ज़रूर दिखना चाहिए अपने पीसी में स्पीड का फ़र्क, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने, ये देखिए फास्टिंग यह। तो आपने देख लिया होगा स्पीड का फ़र्क। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद।